क्या हाल है दोस्तों। हम आज जा रहे थे अंबाला से मौलाना की ओर, तो हरप्रीत सिंह माही जी जो आजकल वीडियोस बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छी लोग पसंद कर रहे हैं। तो आज रास्ते में हमें नंदी जी बैल मिल गए, तो नंदी जी बैल के दर्शन हुए, साथ में उनके चालक भी हैं जो इसके साथ में रहते हैं। क्या नाम है जी आपका? साधु राम जी, इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, आप मेरे पास आइए, हम बात करते हैं। तो साधु राम जी, कहाँ के हो आप? कहाँ के? सरसावा। सरसावा जी, ये कहाँ है गांव? ये सहारनपुर से पहले पड़ता है। अच्छा, सहारनपुर यूपी में है जी, जी। तो इतनी दूर आप कहाँ घूम रहे हो? बस इधर ही। नहीं, कितना दूर होगा यहाँ से? कितने होगा? 50-60 किलोमीटर। अच्छा, तो आप इनको बैल को लेके, कितने बैल है आपके पास? कितने जने हो? चार जने हो। तो ये बता रहे हैं आपके दोस्त के हिमाचल पंजाब हर जगह जाते हो जी। तो क्या ये आपके मन में ऐसे कैसे आया? तो आपके परिवार का ये कितना था जो आपके दादा परदादा या बाप है? हमारे बाबा चलाते थे इसको। दादा तो इसको बैल को चलाते थे, ऐसे ही चलाते थे जैसे आप चलाते? हाँ जी, ऐसे ही चलाते थे। तो आप रोज कितने किलोमीटर चलते हो? 5-4 किलो, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलते हैं। अच्छा, तो गांव-गांव जाके या शहर-शहर जाके पैसे इकट्ठे होते हैं ऐसे? भिक्षा इकट्ठे करते हैं। भिक्षा मिलती है नंदी जी के महाराज के। तो आप इस भिक्षा में से नंदी जी महाराज का अलग निकाल लेते हो? हाँ जी। तो इनको क्या खिलाते हो रोज? इसको चना, गुड़, चोकर सब खाता है। इसको अच्छी खुराक खिलाते हैं? ये बहुत अच्छी खुराक इसको खिलाई जाती है। इसका नाम रखा है नंदी जी का आपने? नंदी जी। अच्छा, नंदी जी है सभी बैल का नाम। तो ये इसकी मतलब आप देख रेख और क्या नहलाते हो इसको? रोज नहलाते हैं जी। अच्छा, रोज सुबह नहलाते हो, तो फिर इसको लेके जाते हो। जो आपने इसके ऊपर अच्छे कपड़े डाले हुए हैं, ये देखो आपने रजाई वगैरह डाली है, ये आपके बस्तर है? ये ओढ़ने के बस्तर है। आपके ओढ़ने के? हाँ, जिसके भी है मेरे भी है। अच्छा, खाने पीने का सारा सामान नंदी जी पे है जी। तो नंदी जी बुरा नहीं मानते कि मुझे 5 किलोमीटर ले जाते हैं रोज भिक्षा लेने? नहीं नहीं, जी नाराज नहीं होते, खुश होते हैं कि अच्छा। हाँ, लोग देखते हैं। कभी ऐसे हुआ कि कोई लोग गुस्से हुए हो कि आप क्यों ये लेके घूम रहे हो? सारी तरफ भी दुनिया है महाराज। हाँ है दुनिया तो, लेकिन अच्छा कभी ऐसा हुआ? कोई वाक्य बताओ। कुछ नहीं हुआ जी हमारे साथ ऐसा कुछ। सब नहीं, तो सब लोग मदद करते हैं? सब मदद करते। तो भिक्षा में पैसे भी देते हैं? कोई 10 देता है, कोई 1 रुपया देता है, कोई 2 रुपए देता है। अच्छा, कोई देता है। तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। ये नंदी जी महाराज के दर्शन हुए हैं, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। आओ एक और नंदी जी महाराज है इधर, उनसे भी बात करते हैं, उनका भी नाम पूछते हैं। तो साथ में नंदी जी महाराज के जो चालक हैं वो भी साथ में हैं। तो ये है कि जो नंदी जी महाराज हैं, एक तो दूसरे अगर दूसरे पास जाता है तो उसको मारते हैं। तो अभी मेरे को तो नहीं मारेंगे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं प्यार के, प्यार के। तो इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? नंदी जी कहते हैं। अच्छा, सभी को नंदी जी बोलते हो आप? तो आप ये फोन बाद में उठाना, हम नंदी जी की कृपा से बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप मतलब इस काम से खुश हो? हाँ जी, खुश हैं। क्यों खुश हो? जी सारा अपना परिवार जो था, बड़े सड़ेरे सब ये काम करते थे। अच्छा। हाँ, बस तो, आगे हम भी एक दो कर जाए, आगे कोई बच्चा नहीं कर रहा। अच्छा, आपके बच्चे नहीं कर रहे? हाँ, बच्चे मांगना पसंद नहीं करते। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? बस काम सीख रहे हैं। किस चीज का? नाई का काम सीख रहा है एक बच्चा। अच्छा, तो जैसे आप इस चीज को बुरा मानते हो कि आपके बच्चे ये काम नहीं सीखे, क्योंकि आपको इस काम से प्यार है? हाँ जी हाँ, एक आधा तो चलता रहेगा ना, ऐसे सारे थोड़ी खत्म हो जाएंगे। आपके मन में दुख है इस बात का कि मेरा बच्चा भी सीखे और नंदी जी को घुमाए? एक तो चलना चाहिए अभी, देखो क्योंकि वो रीत है, पुरानी रीत होती है। देखो दोस्तों, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी रीत है कि अगर किसी परिवार में कोई डॉक्टर है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। तो कोई भी काम करता है तो उस बंदे को होता है कि मेरे परिवार का एक सदस्य है, उस काम में जरूर तरक्की करे, है ना, उस चीज में जाए। तो बेशक वो धर्म कर्म का काम हो, तो धर्म कर्म के काम भी लोग करते हैं। देखो नंदी जी के सिर पे मक्खियां मंडरा रही हैं, बहुत प्यार करते हैं ये, अच्छे हैं, अच्छे हैं। देखो प्यार कर रहे हैं मेरे को, कितना प्यार कर रहे हैं, है ना। तो घूमता है सारा दिन। एक बात जरूर है कि अगर हम जानवरों से, इनको इंसानों से अच्छे हैं, क्या सोचते हो आप ये? हाँ जी, बहुत समझ होती है इनको। इनके बारे में कोई बात बताओ आपके नंदी जी महाराज के। अब ये गेड़ा लगाएगा जब बताएगा। अच्छा हाँ,
कब गेड़ा लग, अच्छा फिर कोई बात बताएगा अभी? चलो फिर करेंगे इसका गेड़ा लगवाए, फिर देखते हैं क्या बात बताएंगे। एक किसके बारे में बात बताएंगे, मेरे बारे में? किसी के भी बता सकते हैं, दोनों खड़े हो ना आप, आपके पास कोई इसके मर्जी जाएगा, हम पूछेंगे भाई इससे फलाना बंदा कैसे चलेगा, ऐसे पूछो जिंदगी में तरक्की होगी, ऐसे कुछ ऐसा कुछ भी है ना, तो ये काम कर रहे हैं जो बता भी नंदी बाबा में कामयाब हासिल किसको होगी दोनों बंदों में, वो लगा के बताओ बाबा, यू बता भाई अच्छी कामयाब हासिल कड़े बंदे ने होगी बाबा मेरे प्यारे। अच्छा, तो ये देखो अच्छी होगी, अच्छी होगी, माड़ी होगी। अच्छा तो इन इससे पूछो जो काम हम कर रहे हैं, इनके साथ कौन आए हैं बाबा, इनके जोड़ीदार है बाबा, तेरे बंदे हैं, करके बता। इससे पूछिए कि जो हम काम कर रहे हैं ये वीडियो बनाने वाले, इसमें तरक्की होगी, पूछिए तरक्की होगी बाबा, इसमें होगी तो गड़बड़ तो नहीं होगी। इसे ये पूछो कि बहुत देर होगी हमें काम करते हुए, तो हमारी तरक्की नहीं हो रही, कब होगी? होगी बाबा जल्दी। वाह, थोड़ा आशीर्वाद लगा के दिखाओ इनके दोनों हाथ, आशीर्वाद आशीर्वाद दो बाबा, दोनों हाथ मोड़ के। ये देखो आज नंदी जी का आशीर्वाद मिल गया हमें, ये देखो इसके एक पहचान होती है इसके, हाँ ये देखो ये पहचान होती है नंदी के। अच्छा, ये जरूर होती है, इसका मतलब क्या है? ये शिव जी का नंदी होता है। अच्छा, शिव जी की निशानी है ये, भगवान की कृपा से ये के सवारी होती है, जुमानू होती है। अच्छा, ये जिसके घर पे जन्म लेता है इसको मार को दान कर देते हैं बच्चे ने छोटे। अब ये भी पूछ लो इससे कब तरक्की होगी नंदी जी से, जल्दी होगी, जल्दी होगी बाबा जी। शुक्रिया बाबा जी आपका, बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज्ञानी जी ने आशीर्वाद दो बाबा के होके, ज्ञानी जी के आशीर्वाद। चलो ठीक है, इसका मतलब काम बन गया, सारे काम बन गए, माथा तो बहुत। ये जैसे नंदी जी महाराज माथा लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इससे पूछिए कि बीमारी तो नहीं होगी अब परिवार में कभी? कोई बीमारी होगी नहीं, नहीं परिवार, सब परिवार ठीक रहेगा, परिवार ठीक रहेगा। हाँ वाह वाह नंदी जी, आपकी आंखों में आंसू है, हाँ आंसू है। चलो जी, आज नंदी जी महाराज के दर्शन हुए और कैसी कैसे बातें की, तो नंदी जी महाराज की कृपा से हम इनको दान देना चाहते हैं, नंदी जी को। नंदी जी दान लेंगे, दान लेंगे नंदी जी? हाँ लेंगे, लेंगे ठीक है। खुश है बाबा? खुश है बाबा, पूछिए, बहुत खुश है, खुश, शुक्रिया बाबा। किसको दान दिया है बाबा? यो इसको बस, चल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज ये वीडियो दुनिया की सबसे बढ़िया वीडियो बन रही है, क्योंकि नंदी जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दे दिया है, तो जो काम हम कर रहे हैं वीडियो, तो वो तरक्की के रास्ते खुल गए हैं आज से, आज के बाद हमें तरक्की ही तरक्की मिलेगी, आपको भी तरक्की मिलेगी, हर इंसान को नंदी जी महाराज की कृपा से तरक्की मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।